बकार भट्टी, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पाकिस्तान 370 हटने के बाद लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है? इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इसीलिए तो 370 धारा हटाई गई थी, आतंकवाद का खात्मा हो। मैडम जी समझ गया, मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल, हाँ, हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है। मैडम जी पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने दो आदमी पकड़े हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और जम्मू कश्मीर की सेना ने, जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सिर्फ इतनी ही उम्मीद रखूंगा जम्मू कश्मीर सरकार से और जम्मू कश्मीर के मैं जो सेना के हमारे ऑफिसर हैं कि वो ओरिजिनल होने चाहिए, ना कि किसी कश्मीरी को बलि का बकरा बनाओ। टीवी के ऊपर तो ये नहीं होना चाहिए। अगर वो विदेशी है, ऐसा हुआ है मैडम जी, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, एक नहीं हजारों ऐसे केस बता सकता हूँ जहाँ आप लोगों ने देखना लड़कों को गिरफ्तार करके जैश मोहम्मद का लक्ष्य तैयबा का आतंकी डिक्लेयर कर दिया था। अरे भैया सेना जो है, आप किसके साथ हैं? सेना जो है, सेना के अंदर भैया हमारे सैनिक थे, उनके भाई भी आज सेना ज्वाइन करना चाहते हैं। कश्मीर के जो युवा है वो सेना के साथ खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन कुछ अलगाववादी, कुछ आतंकवाद परस्त लोग हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों में पलते हैं, वो जरूर इस तरह की बातें करते हैं। यहाँ बैठ के चैनलों पे अंदर पाकिस्तान यहाँ खाता है कौन भाई? लेकिन ये लोग आपको पता होगा बलि का बकरा बनाते हो, कितने लोगों को बलि करते हैं, ठीक है? सुनिए बकार भट्टी गंदा मशीन बकार भट्टी, मैं ये कह दूं कि आपकी सहानुभूति हो सकती है इन आतंकियों के साथ, क्यों है मैं नहीं जानती हूँ। सुनिए बकार भट्टी, आपकी सहानुभूति है शायद इन आतंकियों के साथ, क्यों है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कश्मीर में लोगों की सहानुभूति नहीं है। जो बात रोहित चहल ने कही, वहाँ पर सेना में भर्ती होने के लिए कश्मीरी नौजवान सामने आ रहे हैं, आप वो तस्वीर देखिए पहले। शर्मनाक है आपका बयान। कर्नल शैलेंद्र सिंह, मुझे मैं पाकिस्तान पर सवाल उठा रही हूँ कि ये जिंदा सबूत इन आतंकियों के बाद पाकिस्तान कब मानेगा कि ये घुसपैठ लगातार करा रहा है पड़ोसी मुल्क में? यहाँ तो ये महाशय शुरू हो गए, यही सवाल उठा रहे सेना पर, हम क्यों सुने इन्हें? भट्टी एक मिनट, शांत, बहुत चिल्ला लिए, बहुत ड्रामा हो लिया, थोड़ी देर दूसरे की सुनो।